दोस्तों, हर किसी को लगता है कि हमारे जो बाल हैं वो काले, घने और खूबसूरत रहें, और हर किसी की ये चाहत होती है दोस्तों, लेकिन हमें सही रेमेडी का यूज़ करना चाहिए जिससे कि हम अपने बालों को सफ़ेद होने से बचा सकें। साथ ही साथ अगर सफ़ेद हो चुके हैं तो उसे रिवर्स करने का भी बहुत ही अच्छे से ये काम कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये नेचुरल सी रेमेडी है, उसे फॉलो करना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर ले रही हूँ शैम्पू। आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हैं अपने बालों के लिए, उस शैम्पू को आपको ले लेना है, और अच्छी खासी मात्रा में, अच्छी क्वांटिटी में आपको शैम्पू लेना होता है जिससे कि बालों की सफाई अच्छे से हो जाए। शैम्पू में मेक श्योर कि आप हमेशा याद रखिए, भृंगराज का पाउडर या फिर भृंगराज का तेल अगर आपके पास है तो आप ज़रूर इस्तेमाल करिए। भृंगराज, जिसे हम डॉक्टर कहते हैं, अपने बालों का राजा भी कहा जाता है। ये हमारे बालों को नॉरिशमेंट देता है, पोषण देता है, हमारे बालों की जो हेयर फॉलिकल होती है उसे स्ट्रांग बनाने का काम करती है। तो यहाँ पर मैंने लिया है भृंगराज का तेल, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपके पास पाउडर है तो भी आप यहाँ पे शैम्पू में मिक्स कर सकते हैं। शैम्पू में बहुत सारे इस तरह से, आजकल बहुत ही केमिकल युक्त शैम्पू हमें देखने के लिए मिलता है, जिससे कि हम अपने बालों को क्या होता है, डैमेज होने से बचा नहीं सकते। शैम्पू हर कोई यूज़ करता है, लेकिन शैम्पू को अगर आपने ऐसे यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। मीन्स भृंगराज आप ज़रूर लेकर के आइए, अपने घर में रखिए और उसका यूज़ ज़रूर आप करिए, ठीक है। तो इस तरह से शैम्पू लेना है और उसमें भृंगराज मिलाना है। मेथी के बारे में क्या ही कहना दोस्तों, मेथी आप सभी लोगों को पता है हमारे हेयर फॉलिकल को स्ट्रांग बनाती है, नॉरिशमेंट देती है, बालों को जड़ों से पोषण देने के साथ साथ में वो हमारे बालों को हेल्दी बनाती है, शाइनियर बनाती है और हमारे बालों को मजबूत करके उसे टूटने झड़ने की समस्या से दूर रखती है। साथ ही साथ सफ़ेद बालों की जो प्रॉब्लम हो रही है, मेथी का दाना आप अप्लाई ज़रूर करिए। देखिए, इस तरह से हमने शैम्पू में मेथी दाना भी ले लेना है। दोस्तों, सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से आपके घर पे अवेलेबल होती हैं, किचन में अवेलेबल होती हैं, बट इसका यूज़ करिए ज़रूर, जिससे कि आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कलुंजी की बात करूँगी दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको स्ट्रेंथ एंड प्रोवाइड करती है, आपके हेयर फॉलिकल को स्ट्रांग बनाती है, साथ ही साथ जो मेलानिन प्रोडक्शन होता है हमारे बालों का, इसके वजह से हमारे जो बाल होते हैं वो काले होते हैं। अगर मेलानिन की कमी हो जाती है तो जाकर के आपके बाल जो है वो वाइट होना शुरू हो जाते हैं। आजकल छोटे से छोटे बच्चों को भी देखा गया है कि उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, बट रिवर्स करने का बहुत ही अच्छा काम करती है ये कलौंजी। जी हाँ दोस्तों, कलौंजी का सेवन भी करिए मसालों के रूप में, साथ ही साथ यहाँ पे आंवला का भी आपको सेवन करना ज़रूरी है, जिससे कि इंटरनली और आउटर पर्पज़ पे दोनों पे ये वर्क करें। सारी चीज़ों को हमें मिक्स करना है, 2 से 3 इंग्रेडिएंट ही यहाँ पर मिक्स करिए दोस्तों, और इसे अपने बालों पे स्कैल्प पे लगाइए अच्छी तरह से, और जड़ों पे लगा करके इसे कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन आप महीने में 3 बार ज़रूर करिए, जिससे कि आपके बाल सिल्की सॉफ्ट और शाइनी बनेंगे और सफ़ेद बालों की समस्या भी नहीं होगी। सेम डे आप शैम्पू कर सकते हैं, क्योंकि ये शैम्पू ही बनाई गई है दोस्तों, जिससे कि आपके बाल हेल्दियर रहें, खूबसूरत रहें और जल्दी से सफ़ेद होने की जो प्रॉब्लम है उसे बच सकें। वीडियो पसंद आई, डू सब्सक्राइब, लाइक करिए, शेयर करिए।